आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं और इस वीडियो में हम वो सभी मुद्दे जो इस वक्त चल रहे हैं एमपी शिक्षक भर्ती को लेकर उनको डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम बात कर लेते हैं आपके नियुक्ति आदेश की जो जारी हुए हैं उन वैकेंसीज पर जो फिल नहीं हुई आपकी सेकंड काउंसलिंग के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो है इसमें आपको दिखाया गया है कि कौन कौन से जिले हैं जिसमें कौन कौन सी वैकेंसीज थी जो फिल नहीं हुई। ये करीबन 155 वैकेंसीज थी जिन्हें पे आपकी वेटिंग जो है क्लियर की गई है और इनके नियुक्ति आदेश जो है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। ऐसा बोला जा रहा है कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा कि कुछ नियुक्ति आदेश जो हैं कुछ जिले के जैसे सिद्धी जिले के वो हटा लिए गए हैं, एक बार जारी किए थे फिर उन्हें हटा लिया गया। ठीक है, तो आपके मात्र 155 पर ही वेटिंग जो है वो निकाली गई है जिसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं जो नहीं भरी गई हैं वो यहाँ पर डिटेल में दी गई हैं, तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इतनी कम तो नहीं है, इन्होंने पता नहीं क्यों 155 पर ही क्यों निकाली है वेटिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी वैकेंसीज वेटिंग रह जानी चाहिए थी क्योंकि रीट का जो है अभी क्लियर हुआ है तो उसमें अभी बहुत सारे जो राजस्थान स्टेट के एमपी में जिन्होंने अपनी सीट बनाई थी उन्होंने हो सकता है काउंसलिंग ना कराई हो या उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी हो या फिर ऐसा हो सकता है उन्होंने अपनी सीट एक्वायर कर ली हो और अब क्योंकि फाइनल रिजल्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ टाइम पहले ही हुआ है तो वो अब छोड़ छोड़ कर गए हों, तो सरकार उन वैकेंसीज को जो है वो आपको नहीं देती है जिनको एक बार एक्वायर कर लिया हो किसी कैंडिडेट ने। ओके फ्रेंड्स, दूसरा है कि आप सभी को पता है कि 7 अक्टूबर को एक महा आंदोलन किया गया था भोपाल में। ठीक है फ्रेंड्स, नीलम पार्क में, जहांगीराबाद में, तो उसमें पद वृद्धि की मांग को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। एक्चुअली कैंडिडेट्स चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक के जो पद हैं, आपको हो सकता है न्यूज़पेपर की कटिंग जो है वो इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैंडिडेट्स ने मांग क्या क्या रखी और उन पर क्या विचार किया जाएगा। तो प्राथमिक शाला के जो रिक्त पद हैं उनको बोला गया है कि आप 25,000 जो है करीबन पद बढ़ा कर उसके बाद आप थर्ड काउंसलिंग कराएं। उसके बाद बोला गया है कि जो ओबीसी के 882 पद जो होल्ड किए गए हैं उनको क्लियर किया जाए। देखिए बहुत सही बात उन्होंने रखी कि कम से कम ओबीसी के जो 882 पद हैं उनको होल्ड ना रखा जाए क्योंकि इसके कारण ऐसे कई कैंडिडेट्स जो कि मेरिट के अंडर हैं लेकिन क्योंकि उनकी ओबीसी कैटेगरी आरक्षण कितने परसेंट मिलना चाहिए उस बेसिस के हिसाब से उन्हें होल्ड कर लिया गया है तो ये गलत है। इसकी वजह से वो लगातार वेट कर रहे हैं, वो कहीं ध्यान भी नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि उनको इंतज़ार है कि शायद इसी शिक्षक भर्ती में उन्हें सीट मिल जाएगी तो सरकार को उनका होल्ड हटा देना चाहिए और वो वैकेंसीज जो हैं वो ओबीसी की क्लियर कर देनी चाहिए। उसके बाद आप सभी को पता है मैं भी लगातार अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ कि करीबन 1692 पद जो हैं वो आपके ट्राइबल विभाग के प्रयोगशाला शिक्षक के जो पद हैं उनके बारे में कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट सरकार या कोई भी विभाग अपनी वेबसाइट पर नहीं दे रहा है। एमपी पोर्टल ऑनलाइन पर कोई भी अपडेट नहीं दी जा रही है तो उनको भी जल्द से जल्द क्लियर किया जाए कि क्या मंशा है सरकार की और उन पर भर्ती की जाए। उसके बाद है प्राथमिक शिक्षक के प्रथम व द्वितीय चरण के रिक्त पद, जैसे कि जो कि 4200 पदों पर नियुक्ति पत्र को है वो जारी किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4200 पद ऐसे हैं जो कि द्वितीय चरण के रिक्त पद हैं लेकिन फिर भी 155 पद पर जो है वो भर्ती क्लियर की गई है और ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ 155 पद वेटिंग का क्लियर करना, कितने बच्चे जो हैं वेट कर रहे हैं आप सिर्फ 155 पर क्लियर कर रहे हैं तो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है ये वैकेंसीज की। करीबन 4200 पद जो हैं वो खाली हैं तो उन पर जो है आपकी वेटिंग क्लियर की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को जो है फ्रेंड्स मौका मिल पाए। तीसरी खबर ये है कि जो शिक्षक भर्ती हो चुके हैं या जो होने वाले हैं आगे या अभी भी उनके नवनियुक्ति शिक्षकों को ये है कि उनका जो सैलरी है वो 100%। जो आप सभी को बता देती हूँ मैं, अभी तो हमारी राज्य में यानी एमपी में जो है बीजेपी सरकार है लेकिन इससे पहले कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने एक नियम बनाया था 70-80-90-100% वाला। तो कहीं ना कहीं ये था कि बीजेपी के जो नेता हैं यानी कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस किया था कि वो वेतन को पहली साल में 70% रखते हुए दूसरी साल में 100% कर देंगे लेकिन अभी तक
इसका भी कोई भी ब्यौरा नहीं है कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो फर्स्ट काउंसलिंग में भर्ती हुए थे उनको भी 70% ही मिल रहा है, और जो सेकंड काउंसलिंग में भर्ती हुए हैं अभी उनकी वेतनमान जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो सबकी एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं 100% अगर वेतन मिलता है तो एक ठीक ठाक वेतन मिल जाएगा, क्योंकि शिक्षकों से बाकायदा उतना ही काम लिया जा रहा है लेकिन उस हिसाब से पेमेंट नहीं दी जा रही है। राजस्थान में इस नियम को लागू कर दिया है कि अब उनका जो 100% है वो कितना मिलेगा, लेकिन अभी हमारा MP इस चीज़ में थोड़ा पीछे है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इन सब के साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोग सिर्फ MP से ही जुड़े ना रहें। माना कि आपके लिए वैकेंसीज़ बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आप लोग दूसरे स्टेट की वैकेंसीज़ पर भी उतना ही फोकस करें। अभी बिहार में दोबारा से अभी कुछ वैकेंसीज़ निकली थी 1 लाख समथिंग, दोबारा से शिक्षक भर्ती आने वाली है वर्ग 2 के लिए, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, हो सकता है राजस्थान, अगले साल तो उनके चुनाव है राजस्थान में, लेकिन उससे अगले साल फिर से शिक्षक भर्ती जो है वहाँ आ जाए। और यूपी का तो आप सभी को पता है जोरों शोर से हंगामा चल रहा है, वहाँ पर डे बाई डे आंदोलन किए जा रहे हैं करीबन 97,000 वैकेंसीज़ के लिए। 97 देखिए, अगर नहीं निकलती, एक बड़ा अमाउंट वैकेंसीज़ का, तो करीबन अगर वो 50 के अराउंड भी निकाल देते हैं तो आप लोग उसकी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है? क्योंकि यूपी टेट कंडक्ट वैसे वहाँ हो चुका है 2 बार, उसके बाद भी वैकेंसीज़ नहीं आई, तो हो सकता है जनवरी फरवरी में सुपर टेट निकल जाए, या फिर दिसंबर तक यूपी टेट अगेन कंडक्ट कराकर सुपर टेट को फिर जनवरी या फरवरी में ले लिया जाए, तो आप लोग वहाँ की तैयारी भी कीजिए। दूसरी बात फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको सभी को पता है कि वर्ग 2 की भर्ती जो है वो पेंडिंग है, उनकी पहला पेपर जो है ले चुका है लेकिन द्वितीय पेपर नहीं हुआ है, जिसे मेंस कहते हैं, तो आप सभी उसकी तैयारी में भी जुट सकते हैं। लेकिन फिर भी आपकी इस भर्ती प्रक्रिया से लेकर कोई भी फर्दर क्वेरी है जो कि आप हमारे माध्यम से जानना चाहते हैं, तो आप हमें बाकायदा कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट्स का आंसर दे सकें। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो काफ़ी लेट आई है, ये बात आप सभी को पता है, और हम लगातार कोशिश करेंगे कि आपके लिए अब नई अपडेट्स लेकर आएं इस भर्ती प्रक्रिया से लेकर। बहुत कुछ जो है एक साथ स्टार्ट हो गया है MP में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम किस चीज़ के ऊपर वीडियो लेकर आएं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी वीडियोस हम ज़रूर लेकर आएं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।